हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ पंकज फ्रॉम डी एमोट्स। तो गाइस, फिर से हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए और वीडियो आई है फिर से इंटरसेप्टर पे ही। तो गाइस, मैं दिखाता हूँ कि मैं इस इंटरसेप्टर में क्या करने जा रहा हूँ और इसे मैं चैन सेट डालने जा रहा हूँ। उसमें चैन गाड़ी ख़त्म होगी, आई थिंक 27-28 हज़ार किलोमीटर चली हुई है। तो मैं आपको अभी किलो स्पीडोमीटर भी शो करा दूँगा कितनी रनिंग हो रखी है। पहले भी इसकी वीडियो डाल चुका हूँ सर्विस और क्लच प्लेट की। तो अब इसमें मैं चैन सेट डालने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं चैन सेट डालेंगे कि क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या प्रोसेस होता है हमारे को और इसका झूला वगैरह क्या क्या खोलना पड़ता है। तो आइए मैं दिखाता हूँ। पहले भी डाल चुका हूँ तो इसमें वीडियो नहीं बनाया था। अब इस बाइक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे डालना होता है, कि सही तरीका क्या है झूला की, मतलब चैन सेट डालने का इंटरसेप्टर में। तो आइए चलिए बिना देरी के चलिए देखते हैं कि दिखाता हूँ कि मैं ऑलरेडी मैं बाइक को मतलब खोल चुका हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना लाइए इस पर एक वीडियो भी बनाया जाए, क्योंकि खोल क्या चुका हूँ, मतलब कवर खोल चुका हूँ, पहिया खोल चुका हूँ, अभी चैन वगैरह झूला वगैरह नहीं खोला। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें मैं क्या क्या खोल चुका हूँ और आगे क्या क्या खुलेगा। तो आइए चलिए खोलते हैं और आगे देखते हैं। देखिए, ये तो हमने खोल दिया है, क्यों ना लाइए वीडियो बना लेते हैं। तो आज आपको दिखाता हूँ इसमें इंटरसेप्टर का चैन सेट डालते हैं कैसे और क्या क्या खोलना पड़ता है। तो देखिए, अभी हमने ये सारा पहिया व्हील वगैरह इसका खुल चुका है। और देखिए, ये अब हमारे को इसके लिए झूला खोलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें चैन में लॉक नहीं होता है। तो इसके लिए इसका झूला खोलना पड़ेगा, शॉकर खोलना पड़ेगा, जो डिस्क ब्रेक की पाइप्स वगैरह होती है, चैन कवर, सारा कुछ खोलना पड़ेगा। और इधर ये देखिए, ये इधर इसकी जो पीछे की गरारी है ये खोल रहे हैं। और ये इसकी, ये देखिए, ये ब्रांड न्यू जो गरारी होगी ये इसकी चैन होगी। ये देखिए, ये इसकी चैन होगी। और आपको दिखाता हूँ कि बाइक कितनी रनिंग हो रखी है। ये देखिए 27,954। तो गाइस देखिए, इसको हम अभी क्लीन कर रहे हैं, जो एडाप्टर था अभी ये एडाप्टर पर क्लीन कर लेते हैं, फिर इसमें गरारी फिट करेंगे और मैं आपको आगे गरारी खोलते हुए दिखाता हूँ। तो गाइस, ये है इसकी फ्रंट पॉकेट। देखिए कुछ इस तरीके की कट गई है। आपको मैं इसमें नई वाली और इसमें डिफरेंस दिखा। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का डिफरेंस है। देखिए दोनों में, ये देखिए, ये इसके दांते कैसे होगा, इसके दांते देखिए कैसे होगा अभी। तो ये देखिए, ये मैं इसको अभी, ये कुछ गंदा है अभी, इसको थोड़ा मैं क्लीन करके पेट्रोल वेट्रोल से फिर और ये झूला निकालता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। तो देखिए, हमने झूले का, देखिए ये झूले सॉकर का बोल्ट है, देखिए खोल चुका हूँ। अभी ये झूले का एक्सल मैंने लूज कर दिया, दिखाया था आपको। ये देखिए, अभी ये झूला एक्सल निकालना हमने। ये देखिए, कुछ इस तरीके का एक्सल होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर भी वीडियो बनाया जाए, चैन सेट डालने का तरीका, कि मतलब क्या क्या कैसे कैसे डलता है, क्या क्या तरीका होता है। तो मैं आपको झूला निकाल के अब दिखाता हूँ। तो देखिए, हमने इसका निकाल दिया झूला। ये देखिए, झूले में देखिए चैन फंसी होती है, क्योंकि इसमें चैन में लॉक नहीं होता है। अब मेरे को इसका चैन कवर खोलना पड़ेगा और ये चैन अलग निकालनी पड़ेगी। तो वो भी निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो देखिए गाइस, चैन तो हमारी पुरानी निकल चुकी है। अब मैं इसको, ये जो चैन का पैड वह चैन झूला वाला साफ करके फिर एक बार प्रॉपर आपको दिखाता हूँ। और इसमें दिखाता हूँ कि बूस कौन सा होता है, झूले का बूस कैसा होता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक बार मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ अच्छे से, फिर दिखाता हूँ आपको। तो गाइस देखिए, हमने इसका झूले का बूस निकाला है और ये बहुत सही टाइम पर खुला है, क्योंकि इसमें देखिए झूले का बूस में भी इसके जंग लगना शुरू हो गया था। तो इसको भी ग्रीसिंग करके लगा देंगे। ये देखिए, कुछ इस तरीके का जंग लग गया है। ये देखिए, जंग लगना शुरू हो गया। तो इसको मैं थोड़ा रेक मार से फाइन करके और फिर इसमें ग्रीस लगा के लगाएंगे धो के। तो गाइस देखिए, हमने इसको पेट्रोल से क्लीन कर दिया है। देखिए,
और ये वाला इसका कवर भी बिल्कुल मैंने पेट्रोल से देखे अंदर से बिल्कुल नया कर दिया क्लीन, और ये भी क्लीन कर दिया हूँ। एक्सल भी हमने धो दिया है इसका, मैंने जो झूले का एक्सल होता है आपको भी दिखाता हूँ, मैंने झूला भी क्लीन कर दिया। ये देखिए झूले को कुछ इस तरीके की हालत थी कि देखा था आपने कितना गंदा था, मैंने इसको बिल्कुल धो दिया है। अब इसमें ये जो झूले का बुस है इसमें मैं ग्रीस भर के अच्छे से और फिर लगाऊंगा आपको दिखाऊंगा। और ये चैन कवर भी मैंने इसको धो के रख दिया है, अब इसको भी फिट करता हूँ। चलिए आप फिट करते हैं फिर देखते हैं, पहले मैं इसकी आगे की राइट टाइट कर लेता हूँ फिर आपको झूला वगैरह लगा के फिर दिखाता हूँ। तो गाइस देखिए हमने नई गराड़ी लगा रहे हैं, देखिए ये हो गया अपनी नई। इसको आपको पूरा टाइट करना है अच्छे से, देखिए अब हमने इसको टाइट कर दिया। अब इसके जो इसका जो लॉक है उसको लॉक कर देना है। देखिए हमने लॉक कर दिया, नट को टाइट कर दिया अच्छे से। अब इसका झूला लगाता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। देखिए जो हमने दिखाया था आपको, देखिए ये जो बूस में जंग लग गया ना, देखिए किस तरीके से, देखिए कैसे निशान पड़ गया। अब इसको रेगमार से क्लीन साफ करना है, देखिए कुछ इस तरीके से। देखिए इसके झूले में जो हमने दिखाया था मैंने आपको, अभी इसमें ग्रीस लगा के लगाते हैं। ये देखिए इसमें अच्छे से तरीके से ग्रीस लगानी है, ये देखिए ऐसे ही इसमें भी लगानी है चारों तरफ। और ये अपना ये देखिए एक साइड का बुश लग गया, अब ऐसे ही उस साइड का बुश है जो दिखाया था मैंने आपको, जंग लगा था कि देखिए कितना मैंने साफ़ कर दिया बिल्कुल ब्रेक मार से, ठीक है। अब ऐसे ही अच्छे तरीके से इसमें ग्रीस लगा के ये देखिए अब उस तरफ लगाना लगा था। ये अपना एडाप्टर कुछ इसमें चैन गाड़ी हमने लगा दिया नया, अब इसको फिट करने जा रहा हूँ तो आगे देखिए। तो दोस्तों देखिए हमने चैन सेट तो इसमें डाल दिया, देखिए चैन सेट डाल दिया, चैन देखिए चैन डल गई अपनी। पीछे की पॉकेट दिखा दिया मैंने आप, पूरा प्रॉपर दिखाया आपको कैसे कैसे प्रोसेस था, क्या क्या खोलना पड़ता है, क्या कैसे फिट होती है, कैसे धुलाई करनी है। तो गाइस देखिए हमने पहियाँ सब कुछ, इसकी जो ड्रम की रबड़ वगैरह थी वो सारी चीज़ चेंज कर दी, डिस्पैच चेंज कर दिया। देखिए कुछ ये ड्रम रबड़ थी वो भी ड्रम रबड़ भी फट गई थी, ये देखिए कट गई ना, ये देखिए यहाँ से सारी कट गई। और ये पुरानी चैन हो गई, पीछे की गाड़ी हो गई, ये फ्रंट पॉकेट हो गया, ये कट गया है बिल्कुल, ठीक है। तो दोस्तों देखा आपने कि हमने इसका चैन सेट डाल दिया, अब दिखाया था मैंने आपको कि क्या 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 खोलना पड़ता है इसमें। और देखिए इसका सबसे पहले इसका झूला खोलना पड़ता है, फिर उसके बाद जो इसकी शॉकर की माउंटिंग होती है वो हटाना पड़ता है, डिस्क ब्रेक की पाइप वगैरह बहुत सारा प्रॉपर सेट करनी पड़ती है चीज़ें, तो खास करके आप ध्यान दें। और अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता ही क्या करना, लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ ऐसी, ठीक है, थैंक यू दोस्तों।